अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 और 22 फरवरी 2018 को यूपी इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से बिजनेसमैन को बुलाया गया। उसमें ये इन्होंने ये प्रचारित किया कि 4,28,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई इतना पैसा उत्तर प्रदेश में ये बिजनेस में लगा देंगे। बीजेपी गवर्नमेंट जो अपने गुजरात मॉडल को पहले से बहुत पब्लिसिटी करती आ रही, कि गुजरात में अब से 3-4 साल पहले जब इन्होंने 21 लाख करोड़ के MOU साइन किए गुजरात में, जो उनका जो गुजरात मीट उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में थी, क्या उतना पैसा आ गया तो गुजरात में? अगर इतना पैसा आ जाता तो गुजरात पूरे देश का सबसे डेवलप्ड स्टेट हो जाता, जबकि गुजरात भारत के डेवलप्ड स्टेट में भी नहीं है जो रिजर्व बैंक ने अपने पैरामीटर दिए हैं। तो ये बीजेपी ने का ये जो नया सगुफा इन्होंने निकाला कि बिजनेस से ये अपना पब्लिक का ध्यान हटा देंगे। असल में जब से ये तीन ये यूपी के जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हारे हैं, और ये फिर ये तीन सीटें अजमेर अलवर की और ये जो मांडलगढ़ की सीट हारे हैं राजस्थान की, तब से इनको अब डावाडोल पूरी तरह शुरू हो गया है। तो अब इनका ध्यान पब्लिक की तरफ से हटाने के लिए इन्होंने ये इस तरह की मीट्स शुरू किए। क्या उत्तर बिजनेसमैन लोगों को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हालत, किस तरह से गुंडा तंत्र उत्तर प्रदेश में हावी है? बेटर होता है उसको दुरुस्त करते। आए दिन कितने रेप मर्डर डकैती, ये तो इन्होंने तो अखिलेश सरकार के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए पिछले 11 महीनों में, जितना ये गुंडागर्दी बढ़ी है तो उन्होंने उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी की आरएसएस की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि जैसे ही जब ये हर जगह फेल से होते हैं तो ये इस तरह के इन्वेस्टर मीट अपना बिजनेस का नाम लेकर उसको दिखा उस नोटंकी सी करते हैं। अभी मोदी जी कह रहे थे कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ों से बढ़िया बिजनेस नहीं, अभी महीने भर पहले कह रहे थे। हर साल 50 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी से कॉलेज से, जो पकौड़ा बेचने के लिए निकले हैं। असल में इनका कोई प्लानिंग कुछ नहीं है, बस अपना बेसिर पैर अपना शुरू हो जाते हैं, कोई ढंग की कोई इनकी पॉलिसी नहीं है और अपना पब्लिक को बरगलाने के अलावा इनका कुछ है। 4,28,000 करोड़ रुपये इन्होंने जो MOU साइन किया है, क्या वाकई आ जाएगा इतना पैसा? बिजनेसमैन इतने आसानी से लगा देंगे उत्तर प्रदेश में पैसा? अगर आपको मेरे व्यूज पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।